नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ट्रक जंक्शन में, जहां हम बात करते हैं ट्रक से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशंस के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं भारत के दो बहुत ही मशहूर मिनी ट्रक्स का कंपैरिजन, जो है महिंद्रा जीतो और टाटा एस गोल्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों मिनी ट्रक्स के लुक एंड कैबिन की, इंजन की, माइलेज एंड अदर स्पेसिफिकेशन की, और साथ ही जानेंगे कुछ कस्टमर रिव्यूज के बारे में। लेकिन हम इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, अगर आप ट्रक्स के दीवाने हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले तो ये दोनों ही मिनी ट्रक्स भारत की जानी मानी और भरोसेमंद कंपनी के बनाए हुए हैं, और दोनों ही आपको तीन वेरिएंट्स में देखने को मिल जाते हैं, जो है CNG, पेट्रोल एंड डीजल, और ये दोनों ही B6 इंजन यूज करते हैं। इस वीडियो में हम दोनों मिनी ट्रक्स के पेट्रोल वेरिएंट का कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों मिनी ट्रक्स के लुक्स एंड कैबिन की। अगर बात करें महिंद्रा जीतो के फ्रंट लुक की, तो यहाँ हमें एक बड़ी सी विंडशील्ड मिलती है सिंगल वाइपर के साथ। नीचे हमें हेलोजन बल्ब के साथ हेडलाइट्स मिल जाती हैं, इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और बम्पर पर फोग लैंप्स के लिए जगह मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर टाटा एस गोल्ड में हमें विंडशील्ड पर दो वाइपर्स मिलते हैं, हेडलाइट्स में हमें हेलोजन बल्ब्स मिलते हैं, इंडिकेटर्स मिलते हैं, लेकिन बम्पर पर हमें फोग लैंप्स के स्पेस की जगह रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ्रंट लुक दोनों का ही अच्छा है। अब अगर दोनों के कैबिन्स में चलें, तो महिंद्रा जीतो में आपको अच्छा हेडरूम और लेग रूम मिल जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें गियर लेवर आपको डेक में ही प्लेस मिलता है, इसलिए ड्राइवर के पास कैबिन में ज्यादा स्पेस अवेलेबल होता है, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफी कंफर्टेबल बना देता है। जबकि टाटा एस में हमें कम हेडरूम एंड लेग रूम मिलता है। वहीं दूसरी ओर इसका इंजन कैबिन के नीचे है और गियर लीवर भी सेंटर में ही है, जिसकी वजह से ड्राइवर को कम स्पेस मिलता है, लेकिन इसका कैबिन भी काफी कंफर्टेबल और लग्जीरियस है। अब अगर नजर डालें इसके लोडिंग स्पैन पर, तो महिंद्रा जीतो में हमें लोडिंग स्पैन की लेंथ 2257 मिलीमीटर्स विथ 1495 मिलीमीटर्स एंड हाइट 300 मिलीमीटर्स मिल जाती है। साथ ही इसकी पेलोड कैपेसिटी 750 किलोग्राम्स है और इसका टोटल वेट हमें 1450 किलोग्राम्स मिलता है। वहीं अगर हम बात करें टाटा एस गोल्ड की, तो इसके लोडिंग स्पैन की डायमेंशियंस हमें लेंथ 2200 मिलीमीटर विथ 4300 मिलीमीटर एंड हाइट 300 मिलीमीटर मिलती है। इसकी पेलोड कैपेसिटी है 710 किलोग्राम्स और एस का टोटल वेट है 1510 किलोग्राम्स, जो जीतो से थोड़ा ज्यादा है। और अगर हम देखें इन दोनों मिनी ट्रक्स के व्हील बेस को, तो महिंद्रा जीतो में 2500 मिलीमीटर का व्हील बेस होता है और टाटा एस गोल्ड में 2100 मिलीमीटर का बेस देखने को मिलता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं किसी भी गाड़ी के सबसे जरूरी पार्ट की तरफ, जो है इंजन। अगर बात करें महिंद्रा जीतो के इंजन की, तो इसके पेट्रोल वेरिएंट में 4-स्ट्रोक का पॉजिटिव इग्निशन इंजन यूज किया गया है। ये एक सिलेंडर वाला 625 सीसी का इंजन है, जिसकी मैक्सिमम पावर 23.1 हॉर्स पावर है। साथ ही इसका मैक्सिमम टॉर्क 48 न्यूटन मीटर है, जो इस ट्रक को अच्छा पिकअप देता है। वहीं दूसरी ओर टाटा एस गोल्ड यूज करती है 2 सिलेंडर का मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन पेट्रोल इंजन, जो 694 सीसी का है और प्रोवाइड करता है 24.5 हॉर्स पावर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 55 न्यूटन मीटर, जो एस गोल्ड को 29% ग्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब अगर इसके माइलेज की बात करें, तो महिंद्रा जीतो का ये पेट्रोल वेरिएंट इजिली 21.2 किलोमीटर का माइलेज दे देता है और इसका फ्यूल टैंक 10.5 लीटर्स का है। वहीं दूसरी ओर टाटा एस गोल्ड में आपको मिलता है 26 लीटर्स का फ्यूल टैंक और 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज।
तो चलिए अब इन दोनों के ट्रांसमिशन को देख लेते हैं। तो महिंद्रा जीतों में आपको 4-speed गियर बॉक्स मिल जाते हैं, जिसमें सिंगल प्लेट ड्राई क्लच यूज किया गया है। वहीं टाटा एस गोल्ड में GBS 65 4x6.31 का गियर बॉक्स यूज किया गया है और इसमें सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन डायफ्राम टाइप क्लच यूज किया गया है। आइए अब देखते हैं कि इनके ब्रेक्स एंड सस्पेंशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। महिंद्रा जीतों में सिर्फ ड्रम ब्रेक्स का यूज किया गया है। इसके फ्रंट में कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन एंड रियर में सेमी ट्रेलिंग आर्म सस्पेंशन यूज किया गया है। वहीं टाटा एस में हमें ड्रम के साथ साथ फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल जाती है और इसके फ्रंट सस्पेंशन में पैराबोलिक लीफ सस्पेंशन एंड रियर में सेमी एप्टिकल लीफ सस्पेंशन यूज किया गया है। अब अगर आते हैं इसके प्राइस पर, तो जीतो आपको मिल जाता है 3,85,000 से 4,40,000 तक और इसके साथ ही आपको मिलती है 3 साल या 72,000 किलोमीटर तक की वारंटी। वहीं टाटा एस गोल्ड आपको मिलता है 4,27,000 से 6,43,000 तक 2 साल या 72,000 किलोमीटर तक की वारंटी के साथ। तो आइए अब बात करते हैं कस्टमर रिव्यूज के बारे में। दोनों ही ट्रक्स में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज देखने को मिल जाते हैं। हमें महिंद्रा के हल्के वजन, उसकी बनावट, पेलोड कैपेसिटी और माइलेज की तारीफ सुनने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर जीतो की हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, बैड इंजन फॉर लॉन्ग रन जैसे नेगेटिव रिव्यूज भी देखने को मिलते हैं और हमें टाटा के पावरफुल इंजन, माइलेज, कार्गो लोडिंग और परफॉर्मेंस की काफी तारीफ सुनने को मिलती है। वहीं बैड और लेट मेंटेनेंस सर्विस, वीक बॉडी जैसे रिव्यूज भी देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये था महिंद्रा जीतो और टाटा एस गोल्ड का एक डिटेल रिव्यू। अब आप अपने हिसाब से अपने लिए बेस्ट ट्रक चूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही ट्रक्स के बारे में जानना पसंद है तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ट्रक से जुड़ी सारी जानकारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें।